गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल रुखस्टार और मैं हूँ रुखसार। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन कुर्ती हॉल। तो यहाँ पर मैंने कुछ कुर्तीज ले ली है प्लस कुछ कुर्ती प्लाजो के सेट्स हैं। सो इस तरीके से और वो भी कुछ हैं दुपट्टे के साथ, कुछ विदाउट दुपट्टा है और कुछ केवल कुर्तीज हैं। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्टी वेयर कुर्ती कलेक्शन फ्रॉम अमेजोन। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा ढूंढ कर और रिसर्च करके यहाँ पर कुछ कुर्तीज रख ली हैं जो कि अफोर्डेबल भी हो प्लस थोड़ी सी फैंसी भी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फेवरेट है उस कुर्ती के साथ जो कि है इस तरीके की पीच कलर की कुर्ती है एंड पूरे में इस तरीके की नेक पर एम्ब्रॉयडरी है। मुझे सिंपल सोबर जो कुर्तीज होती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, मतलब सिंपल हो बट ऐसा भी ना लगे कि बहुत ही नॉर्मल सा पहना हुआ है, ऐसा लगे कि बहुत एलिगेंट है, सिंपल है प्लस एलिगेंट है। तो ये उसी में की कुर्ती है सी, कुछ इस तरीके की। इस पर पूरे नेक पर जरी थ्रेड का वर्क है प्लस रेशम की कढ़ाई का वर्क है, ये देखें इस तरीके की। और ये है मैक्स की, मैक्स का एक खुद का स्टोर भी है तो आप वहां से भी जाके ले सकते हैं। और ये इनकी खुद की ऐप भी है, वहां से भी आप ले सकते हैं और अमेजोन पे भी अवेलेबल है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है वो पीच कलर में है और यहाँ पर डबल शेड में है। यहाँ पर आप देखेंगे रानी पिंक कलर है, बीच वाला पार्ट पीच कलर का है इस तरीके का। ऑल ओवर ये पूरी प्लेन है कुर्ती। इसका जो फैब्रिक है वो है सिल्क वाला फैब्रिक होता है ना, जो चंदेरी, अच्छा वाला जो चंदेरी होता है वो वाला फैब्रिक है इसका। ये देखें इसमें हल्की सी ना शाइन टाइप है तो ये इतना ज्यादा आपको सिंपल भी नहीं दिखाएगा, उसके साथ साथ फैंसी प्लस एलिगेंट दिखाने वाला है। तो इसका नेक आपको इस तरीके का मिल रहा है, बैक नेक आपको छोटा मिलेगा और बैक जो है वो पूरा आपको सेपरेट प्लेन जो रानी कलर का कपड़ा है ना वो वाला लगाकर इसका बैक बनाया हुआ है। तो एक साइड पर इसके यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पॉकेट है तो आपका जो भी मोबाइल वगैरह है वो आप रख सकते हैं। ये आप अगर कॉलेज गोइंग गर्ल है या फिर टीचर है, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ये वाली कुर्ती ना बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लगेगी। जैसे कि अगर आपने पीटीएम वगैरह में कभी डाल लिया तो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लुक आने वाला है इस कुर्ती के साथ। ये मेरी फर्स्ट कुर्ती है और इसका जो एमआरपी है वो है 899 रुपीज, बट ये मैंने सेल में ली थी तो ये मुझे 500 के अंडर ही मिली है या फिर 599 की मिली है मुझे। ये कुर्तीज मैंने काफी टाइम पहले ली थी जब सेल चल रही थी तब। तो मैं भी आपको रेफर करूंगी कि जब सेल चल रही हो तभी आप कुछ कुर्ती वगैरह परचेज करें। ओके, सो जो नेक्स्ट कुर्ती है वो है ब्लू कलर की और ये कुर्ती कम फ्रॉक स्टाइल में है। ये देखिए ऑल ओवर इस तरीके का है, ऊपर की साइड पर ये चोली वाला पार्ट मिलेगा आपको और नीचे आता है इसका ये घेरा। तो घेरा भी गाइस यहाँ पर सिंपल घेरा नहीं है, ये घेरा है यहाँ पर कलियों वाला जो लक्के बनता है ना वैसा घेरा है। ये देखिए पूरा घेरा आपको ये कुछ ऐसे मिल रहा है और ये है इसका बॉटम इस तरीके का। तो ऑल ओवर यहाँ पर कोई कढ़ाई नहीं है, ये फॉइल प्रिंट है इसके ऊपर गोल्डन कलर का। तो मैं तो 2-3 कुर्तियां भी पहन रही हूँ फॉइल प्रिंट वाली, बट वो मेरा प्रिंट तो नहीं गया, बट इनको जब मैं यूज करूंगी तब मैं आपके साथ बताऊंगी कि इन फॉइल प्रिंट्स को कहते हैं लोग कि बहुत जल्दी निकल जाते हैं, बट मैंने काफी टाइम पहन ली है अपनी वो वाली कुर्ती तो उसका प्रिंट अभी नहीं गया है। लेट्स सी इन सबका जाता है या नहीं। सो स्लीव्स आपको यहाँ पर मिल रही है, 3/4 स्लीव मिल रही हैं और बॉटम पर इस तरीके का ये मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा, पहली बात तो इसका कलर है और ये कॉलर के साथ आपको मिल रहा है। इसका जो ब्रांड है वो है ग्लैम रूट्स और सभी के यहाँ पर जो भी कुर्तीज मैंने ली हैं सब मैंने स्मॉल साइज के ली है, फिर भी मुझे हल्का बहुत फिटिंग करना पड़ेगा अपने साइज के लिए। लाइक 36 अगर चेस्ट साइज है आपका तो आपको स्मॉल साइज लेना है। यहाँ पर आपको ये गोल्डन कलर के बटन्स मिलेंगे ऑल ओवर, ये सिंपल साइज तरीके का कलियों वाला ये कुर्ता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड कुर्ता, ये मैंने कलर की वजह से लिया है, इसका कलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसकी भी जो मैंने स्लीव्स आपको नहीं दिखाई तो इसकी जो स्लीव्स है वो भी अगेन 3/4 स्लीव मिलेगी आपको, लाइक जितनी मैंने पहनी हुई है ना उतनी स्लीव्स है ये। नेक्स्ट कुर्ती जो है वो कुर्ती प्लाजो सेट है गाइज, और अगेन ऐसा कलर मेरे पास नहीं था, दिस इज मेहंदी ग्रीन कलर और ये अगेन फॉइल प्रिंट के साथ है, गोल्डन फॉइल प्रिंट। ऊपर की साइड पर आप देखेंगे कॉलर का नेक है और यहाँ पर पोर्टली बटन्स के साथ इसका पूरा नेक बनाया गया है।
प्लस यहाँ पर ये पट्टी है और ये है रेयॉन फैब्रिक. इससे पहले जो मैंने दिखाई थी वो भी रेयॉन फैब्रिक थी, ब्लू वाली. बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है इसका, आप बहुत ही कंफर्टेबली इसे पहन पाएंगे. और ये है इसके 3/4 स्लीव, स्लीव पर इस तरीके की पाइपिंग लगी है. ये बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती है गाइज, ये देखिए पूरी स्ट्रेट कुर्ती है नीचे तक. फ्रंट पे भी आपको इस तरीके का फॉइल प्रिंट मिल रहा है, प्लस बैक पे भी आपको इस तरीके का फॉइल प्रिंट मिल रहा है. तो ये है इसकी कुर्ती. एंड ये कुर्ती प्लाजो सेट है, तो जिसका प्लाजो है उस पर भी ऑल ओवर आपको इस तरीके का ये प्रिंट मिल रहा है. इस तरीके के जो प्रिंट्स है ना वो बहुत ही यूनिक लगते हैं, प्लस आप इसको किसी पार्टी में भी वेयर करके जा सकते हैं. ये पार्टी वेयर कुर्ताज है जो भी मैं शो कर रही हूँ आपको, और इसका प्लाजो मुझे बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट आया है. अगर आपका साइज बड़ा है तो आप एक्सेल साइज या फिर डबल एक्सेल सब में अवेलेबल है, आप कोई सा भी अपना साइज देखकर ले सकते हैं. दिस इज स्ट्रेट प्लाजो, इस तरीके का इसका प्लाजो है जो है वो गिन. मैंने बहुत ही हटके कलर्स पर चूज किए हैं, तो ये है नेवी ब्लू कलर. ओके, तो सबसे पहले प्लाजो ही आ गया मेरे हाथों में. ये है इसका प्लाजो, इस पर भी फॉइल प्रिंट है और ये थोड़ा सा घेर वाला प्लाजो है गाइज. लुक, ये थोड़ा घेर वाला प्लाजो है, ये नेवी ब्लू कलर है. पता नहीं क्यों वीडियो में थोड़ा सा पर्पलिश टाइप आ रहा है, बट ये नेवी ब्लू कलर है, अच्छा वाला नेवी ब्लू, जो डार्क वाला होता है वैसा है. और नीचे की साइड पर ये गोटे की एक लाइन लगी हुई है. तो यहाँ पर घेर वाला ये प्लाजो है, एंड इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक पॉकेट मिल रही है. एक साइड पर आपको पॉकेट है, दूसरी साइड पर कोई पॉकेट नहीं मिलेगी. और ऊपर की साइड पर यहाँ पर बेल्ट लगी हुई है, पीछे की साइड पर इलास्टिक लगी हुई है. तो अगर ये ढीला भी होता है आपके तो ये देखें खींचकर, जैसे हम नॉर्मल कमरबंद बांधते हैं ना, बिल्कुल वैसे हो जाएगा. ओके, सो अब हम बात करते हैं इसकी कुर्ती की. कुर्ती पर इस तरीके के पूरे में डॉट 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 वाला फॉइल है, फॉइल प्रिंट है इस तरीके का. पूरे में बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती है गाइज. इस तरीके के फ्रंट में आपको राउंड नेक मिलेगा जो कि थोड़ा सा बड़ा है, और बैक में आपको छोटा नेक मिलेगा. और ये है संगनेरी कुर्ती, और इसका भी साइज मैंने स्मॉल लिया था. संगनेरी कुर्तीज ना मैंने 2-3 और मंगाई है, अब आने वाली है वो, तो उनका अलग से हॉल होगा. तो संगनेरी कुर्तीज आई थिंक अच्छी कुर्तीज ये लोग ला रहे हैं, तो आप एक बार ब्रांड चेक कर सकते हैं. इसकी जो स्लीव्स हैं वो आपको शॉर्ट स्लीव्स मिल रही हैं, यानी कि यहाँ तक कोहनी के ऊपर ऊपर तक आपको स्लीव्स मिल रही हैं इस तरीके की. और जैसा बॉटम पे था वैसे ही यहाँ पर स्लीव्स के बॉटम पे भी आपको ये गोटा मिल जाएगा दोनों साइड्स पर इस तरीके का. सो अच्छी इसलिए लगी क्योंकि इसके साथ है बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये दुपट्टा गाइज. जस्ट लुक एट दिस कलर, इतना ज्यादा खूबसूरत कलर है. दिस इज रानी पिंक कलर, पूरे में ऑल ओवर फॉइल प्रिंट है. तो इसको आप बहुत ही अच्छे से कैरी कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, आपने सिंपल सा कुर्ता डाला एंड जस्ट साइड में आपने ये वाली दुपट्टा डाला है, और काफी लंबा चौड़ा दुपट्टा है, कोई पतला छोटा सा दुपट्टा नहीं है. तो केवल इसके एक साइड पर आपको ये आप एज अ शॉल ले सकते हैं, शॉल की तरीके से, स्टोल की तरीके से यूज कर सकते हैं. इसके एक साइड पर आपको फॉइल प्रिंट मिल रहा है, बैक साइड बिल्कुल आपको प्लेन मिल रही है, तो ये कुछ इस तरीके से. और ये भी रेयॉन फैब्रिक है गाइस. तो ये वाली जो दुपट्टा है ना, हम इसकी कुर्ती के साथ तो पहन ही सकते हैं, बट इस ग्रीन कुर्ती के साथ भी हम इसको अच्छे से वेयर कर सकते हैं. इसके साथ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, प्लस नेवी ब्लू के साथ तो पिंक जाता ही जाता है, बट मुझे ग्रीन के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है. अगर आपके पास ऐसी कुछ ड्रेसेस हैं तो आप दुपट्टे को अच्छे से काफी सारे ड्रेसेस के ऊपर चला सकते हैं. तो यहीं पर कंप्लीट होता है मेरा ये आज का हॉल. तो इसमें से जो सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट कुर्ती है ना, अब मैं क्या ही बताऊं, मेरी सारी ही फेवरेट कुर्तीज हैं, क्योंकि मुझे ग्रीन भी अच्छी लग रही है, ब्लू भी मुझे कलर की वजह से मैंने लिया है. तो आप कह सकते हैं मुझे ये वाला जो थोड़ा सा एलिगेंट प्लस सॉफ्ट एंड सोफिस्टिकेटेड है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. बहुत ही ज्यादा प्रिटी कलर भी है इसका. आई डोंट नो कि उसमें काफी ऑरेंजिश सा दिख रहा है, बट बहुत ही पीच बीच में है, प्लस साइड में रानी पिंक कलर है. बहुत ही उम्दा है इसका कलर, मतलब कलर तो पूछो ही मत, अच्छे अच्छे कलर्स हैं सारे ही. सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर ये कुर्ती का हॉल आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ऐसे कुर्ती हॉल्स में और करने वाली हूँ आप लोगों के साथ शेयर. सो या अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें. बाय बाय, खुदा हाफिज़.